वेलकम स्टूडेंट्स, वंस अगेन यू आर वॉचिंग माई डिफरेंट वीडियोज ऑन पार्ट्स ऑफ स्पीच. इन पार्ट ऑफ स्पीच वी हैव ऑलरेडी डन नाउन्स एंड प्रोनाउन्स. टूडे आई एम गोइंग टू टेक एडजेक्टिव्स. इफ यू हैव नॉट वॉच्ड माई प्रीवियस लेक्चर्स ऑन नाउन्स एंड प्रोनाउन्स, यू मस्ट वॉच दोज लेक्चर्स ऑल्सो. तो बच्चों, आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं. पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने आपको नाउन्स एंड प्रोनाउन्स करवा दिया है. आज हम एडजेक्टिव्स करेंगे. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो. एडजेक्टिव्स आर दोज वर्ड्स विच डिस्क्राइब ए नाउन और अ प्रोनाउन. तो एडजेक्टिव्स, हिंदी में इसको विशेषण बोलते हैं. एडजेक्टिव्स, विशेषण वो शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, उसके बारे में हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं. ओके, उसके बारे में हमें एडिशनल, नाउन और प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं, उसके बारे में हमें कुछ एक्स्ट्रा बताते हैं. और एड डिटेल्स टू ए नाउन और ए प्रोनाउन, दे क्वालिफाई. जिस भी वर्ड के साथ कोई भी एडजेक्टिव लगा होता है वो उस नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है. इन अदर वर्ड्स, एन एडजेक्टिव इज ए डिस्क्राइबिंग वर्ड्स दैट टेल्स अस समथिंग अबाउट द नाउन और प्रोनाउन इट क्वालिफाइज. तो दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि कोई भी एडजेक्टिव वो वर्ड होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ है वो लगा देते हैं और उसके बारे में हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है जिसके साथ ये लगा होता है. इट क्वालिफाइज का मतलब है जिसके साथ भी ये लगा होता है उसके बारे में हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है. एग्जाम्पल देख से आप समझ जाओगे. ये आई हैव ए ब्लू बॉल. अब यहां पर बॉल है वो एक नाउन है, कॉमन नाउन है. ब्लू वर्ड उसके साथ लगा हुआ है. ब्लू वर्ड हमें बॉल के बारे में बता रहा है. तो यहां पर बॉल तो नाउन है लेकिन ब्लू वर्ड है वो एडजेक्टिव है. इसको मैंने बोल्ड करके लिखा हुआ है, ब्लैक करके लिखा हुआ है ज्यादा. तो ब्लू वर्ड यहां एडजेक्टिव है जो कि बॉल के बारे में बता रहा है, यानी कि गेंद है वो नीली है. आई यहां पर एक प्रोनाउन है. आई हैव ए बॉल, आई हैव ए ब्लू बॉल, मेरे पास एक नीली गेंद है. नीला वर्ड है वो गेंद के बारे में बता रहा है. इंडिया इज ए लार्ज कंट्री. भारत एक बड़ा देश है. यहां पर लार्ज वर्ड है वो कंट्री के बारे में बता रहा है. ओके, लार्ज वर्ड है वो एक कंट्री के बारे में बता रहा है. तो कंट्री यहां नाउन है, लार्ज यहां एडजेक्टिव है. भारत एक बड़ा देश है, लार्ज कंट्री. ओके, लार्ज यहां एडजेक्टिव है, कंट्री यहां नाउन है. आगे, माय मदर बॉट राइप मैंगो या मैंगोज, दोनों ही स्पेलिंग ठीक होती है. कंपटीशन में एग्जाम में आ चुका है ये, मैंगो की स्पेलिंग क्या होती है. ये दोनों ही स्पेलिंग ठीक होती है. तो माई मदर बॉट राइप मैंगो, यहां राइप वर्ड है वो मैंगोज के बारे में बता रहा है, आम के बारे में, पके हुए आम के बारे में बता रहा है. तो राइप है वो एडजेक्टिव है और मैंगोज है वहां नाउन है. आगे, एडजेक्टिव्स हैं वो कौन से वर्ड होते हैं, जैसे एडजेक्टिव्स ऑफ कलर. ठीक है, रंग जो होते हैं वो सारे हमारे विशेषता को बताते हैं, क्वालिटी को बताते हैं, जिस भी नाउन के साथ ही लगेंगे. जैसे रेड, ओके, रेड कार, पिंक कैप, ओके, ऑरेंज शर्ट, व्हाइट साड़ी, पर्पल, ओके, पर्पल बॉक्स, ब्लू यूनिफॉर्म, कलरफुल ड्रेस, ओके, सिल्वर प्लेट और शाइनिंग. ये सब वर्ड हैं, ये एडजेक्टिव होंगे जिस भी नाउन के साथ लगेंगे. ऐसे ही एडजेक्टिव्स ऑफ साइज, जो आकार बताने वाले एडजेक्टिव्स हैं, ये एग्जांपल बता रहा हूं आपको. जैसे स्मॉल, ओके, स्मॉल चेयर, स्मॉल बॉक्स, ओके, टाइनी, टाइनी प्लेट, मेजर, मेजर वर्क, बड़ा काम, ट्रिवियल इंसिडेंट, छोटा सा कोई इंसिडेंट हो, शॉर्ट, ओके, शॉर्ट पैंट, बिग बॉक्स, मेजर, ओके, मेजर इंसिडेंट, मेजर बुक, ओके,
ह्यूज, ओके ह्यूज सिक्स बड़ा शॉर्ट लगाया, क्लोसल बिग होता है, ओके क्लोसल का मतलब भी बिग होता है, टॉल लंबा, टॉल बॉय, राउंड, ओके राउंड टेबल, ओके गोल मेज जिसको बोल सकते हैं, सर्कुलर, राउंड दो बार लिख दिया, थिन एंड थिक, ओके पतला और मोटा, तो ये सब वर्ड है, ये एडजेक्टिव्स हैं। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स की तरफ। तो एडजेक्टिव्स की जो टाइप्स होती हैं वो अगर आपने प्रोनाउंस की टाइप्स को अच्छे ढंग से कर लिया तो एडजेक्टिव्स की टाइप भी आप हो जाएंगी, क्योंकि कुछ टाइप है वो एक जैसी होती है लेकिन डिफरेंस होता है, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव्स की 7 टाइप्स मैंने बनाई हैं, किसी ग्रामर बुक में आपको 8 भी मिल सकती हैं, 9 भी मिल सकती हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन जो हैं एडजेक्टिव्स की टाइप्स वो 8 ही होती हैं, 7 होती हैं, तो 7 को मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ। सबसे पहले है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, वो एडजेक्टिव्स जो हमें क्वालिटी के बारे में बताएंगे, ओके जैसे एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी के अंदर क्या है कि एग्जाम्पल दिए हुए, जैसे गुड, गुड बॉय, बैड बॉय, इंटेलिजेंट बॉय, इंटेलिजेंट गर्ल, ओके हैंडसम पर्सन, क्लेवर, ओके क्लेवर पर्सन, फेमस स्टोरी, फेमस वर्क, ओके ड्राई, ओके ड्राई लैंड, हैप्पी, ओके हैप्पी पर्सन, सैड मूड, तो ये सब वर्ड्स हैं, ये हमें बता रहे हैं क्वालिटी के बारे में, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। जैसे रोहन इज ए गुड बॉय, रोहन एक अच्छा लड़का है, यहाँ पर बॉय है वो एक नाउन है, रोहन भी एक नाउन है, यहाँ पर रोहन है वो प्रॉपर नाउन है, बॉय है वो एक कॉमन नाउन है, और गुड है वो बॉय के बारे में बता रहा है, उसकी विशेषता को बता रहा है, तो गुड है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। ही इज वेरी फेमस, अब फेमस है वो एक प्रनाउन के बारे में बता रहा है, ही के बारे में बता रहा है, ओके तो यहां पर फेमस है वो भी एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। आगे पोजेसिव एडजेक्टिव, जैसे पोजेसिव प्रनाउन्स होते हैं वैसे ही पोजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है कि वहां पर पोजेसिव प्रनाउन्स के अंदर आई का माइन था, ओके उसके बाद में आवर था, वहां पर आवर्स था एस लगा हुआ था, यूवर्स था, ऐसे यहां पर आवर, यूअर, हिज, हर, इट और देयर, वहां देयर्स था। क्या है, माई डॉग इज मोती, मेरा डॉग है वो मोती है, तो क्या है माई डॉग कह दें या हर डॉग कह दें, तो हर यहां पर पोजेसिव एडजेक्टिव है, ये ओनरशिप को शो कर रहा है, कौन मालिक है, हर डॉग उसका कुत्ता, कुत्ता किसका है उसका है। ऐसे ही यूअर साइकिल इज ओल्ड, आपकी साइकिल है वो पुरानी है, तो यूअर किसकी साइकिल है, यूअर तुम्हारी है, तो यूअर वर्ड है वो यहां पर यूअर वर्ड है, ये यहां पर एक प्रकार से मैं इसको बोल्ड कर देता हूं, यूअर वर्ड है वो यहां पर एडजेक्टिव है, ओके और ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। अब आते हैं थर्ड टाइप के एडजेक्टिव्स के ऊपर, प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होते हैं जो प्रॉपर नाउन से बने हैं, ओके और ये कैपिटल लेटर से शुरू होंगे, जैसे इंडिया, इंडिया एक प्रॉपर नेम ऑफ ए कंट्री है, तो इंडिया से बन गया इंडियन। जापान कंट्री का नाम है जैपनीज। राजस्थान, राजस्थानी। पंजाब से पंजाबी। तो इस प्रकार से प्रॉपर एडजेक्टिव होंगे, जैसे पंजाबी पीपल आर वेरी ब्रेव, पंजाबी पीपल बहुत ज्यादा निडर होते हैं, यहां पर ब्रेव भी है एडजेक्टिव और पंजाबी भी है, लेकिन पंजाबी है वो प्रॉपर एडजेक्टिव है, इसलिए मैंने इसको बोल्ड किया हुआ है, इसको नहीं किया क्यों, हालांकि ये भी एडजेक्टिव है, तो पंजाबी है वो पीपल के साथ लगा है, इसलिए ये एक प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया हमारा। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, अब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी होते हैं, दोनों में डिफरेंस है, यहां पर हमारा जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा वो नाउन के साथ लगा होगा, वहां पर नाउन के साथ नहीं लगा होता, प्रोनाउन के साथ है वो लगा नहीं होता। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो होते हैं वो दिस, दैट, दीज, दोज होते हैं, ओके ये दोनों, ये चारों ही एडजेक्टिव्स है वो किसी चीज को पॉइंट आउट करने के लिए, किसी चीज को की तरफ इशारा करने के लिए, उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए
ठीक है, उसको दिखाने के लिए हम यूज करते हैं, जैसे दिस बुक इज यूजफुल, ये किताब है वो बड़ी यूजफुल है, यहां पर दिस वर्ड है वो बुक के साथ लगा हुआ है, तो ये एक डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया है. ओके, दैट बॉय इज लेजी, वो लड़का है वो बड़ा आलसी है, तो दैट बॉय, अब बॉय के साथ लगा है दैट, ओके बॉय है वो नाउन है, दैट है वो डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया हमारा. ऐसे ही इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव के अंदर है वो क्वेश्चन वर्ड आएगा, क्वेश्चन मार्क लगा होगा उस सेंटेंस के अंदर लास्ट में इस प्रकार से, वो वर्ड कौन से होते हैं, दैट विच और हुज. जैसे हुज शर्ट इज दिस, ये शर्ट किसकी है, यहां पर इंटेरोगेशन आ रहा है, तो यहां पर शर्ट के साथ लगा है, ओके तो ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया. आगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, एवरी इधर नीदर, तो जैसे एवरी चाइल्ड गॉट ए स्मॉल गिफ्ट, हर बच्चे को एक छोटा गिफ्ट मिला, तो यहां पर एवरी वर्ड है वो चाइल्ड के साथ लगा है, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है. और लास्ट है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स, ओके ये क्वांटिटी के बारे में, मात्रा के बारे में बता रहा होगा या नंबर के बारे में बता रहा होगा, जैसे 1, 2, 3, 4 या सम एनी 20, ओके 21 जो भी है. आगे जैसे देर आर टू मैंगोज इन द प्लेट, प्लेट के अंदर दो मैंगो हैं, तो यहां पर टू वर्ड है वो मैंगोज के बारे में बता रहा है, इसलिए ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो गया. अब हम आते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन, ओके क्योंकि ये क्लास 6, 7, 8 के बच्चे भी वीडियोज को देखते हैं, इसलिए एडजेक्टिव्स की डिग्रीज होती हैं उसको भी आपको ध्यान में रखना है. ये बेसिक इन्फॉर्मेशन दी जा रही है आपको, इतना आप सब बच्चों को मालूम होना चाहिए. तो डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, तो एडजेक्टिव्स की 3 डिग्रीज होती हैं. पहली डिग्री को पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं, सेकंड को कंपैरेटिव डिग्री बोलते हैं, और थर्ड को सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं. ओके अब क्या है कि शॉर्ट वर्ड है, जैसे शॉर्ट शॉर्ट हम कह सकते हैं कि शॉर्ट कोई भी चीज शॉर्ट हो सकती है, जैसे शॉर्ट लाइन, ओके तो ये एक एडजेक्टिव है, लाइन की, लाइन एक नाउन है उसकी विशेषता बता रहा है. अब शॉर्ट है वो शॉर्टर शॉर्टेस्ट भी हो सकता है, ओके ईआर और ईएसटी वर्ड हमने लगा दिए हैं इनके पीछे, तो शॉर्ट शॉर्टर शॉर्टेस्ट. जो कंपैरेटिव डिग्री होती है वो दो चीजों के लिए यूज करती है, दो चीजों की तुलना के लिए, और शॉर्ट सुपरलेटिव जो डिग्री होती है वो पूरे ग्रुप को, पूरे ग्रुप का कंपैरिजन करने के लिए होती है. जैसे ही इज ए शॉर्ट बॉय, ओके वो एक छोटा लड़का है, हिज हाइट इज शॉर्ट, उसकी हाइट छोटी है, हम ये कहेंगे राम इज शॉर्टर देन श्याम, राम है वो श्याम से छोटा है, या फिर ही इज द शॉर्टेस्ट बॉय इन द क्लास, वो पूरी क्लास में सबसे छोटा है. तो पूरे ग्रुप के लिए सुपरलेटिव डिग्री होती है, दो चीजों की तुलना के लिए कंपैरेटिव डिग्री होती है, और एक को हमने डिस्क्राइब करना है तो हमें पॉजिटिव डिग्री को लगाना होता है. जैसे टोल टोलर टोलेस्ट, लंबा टोलर दो में लंबा और टोलेस्ट सबसे लंबा, सिंपल साधारण, सिंपलर एंड सिंपलेस्ट, दो में सिंपलर और सब में सिंपलेस्ट, हैप्पी हैप्पियर हैप्पीएस्ट, प्रेटी प्रेटियर प्रेटीएस्ट, सैड सैडर सैडेस्ट, ओके सैड सैडर सैडेस्ट, सैड होता है उदास, गुड बेटर बेस्ट ये वर्ड आना चाहिए आपको, बैड वर्स वर्स्ट, बैड बुरा होता है, वर्स उससे बुरा और वर्स्ट सबसे बुरा, मैनी मोर मोस्ट मच मोर मोस्ट, लिटल लेस लीस्ट, लिटल कम होता है, लिटल कम लेस उससे कम और लीस्ट सबसे कम, हैंडसम मोर हैंडसम मोस्ट हैंडसम, ऐसे ही ब्यूटीफुल मोर ब्यूटीफुल मोस्ट ब्यूटीफुल. तो ये वर्ड्स, ये डिग्रीज होती हैं, ये आपने रिवाइज करके देखना है. अब क्या है कि आपको एक एक्सरसाइज बता रहा हूं, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, और ये एक्सरसाइज है वो आपने करके देखनी है. क्या है, पिक आउट एंड क्लासीफाई द एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, आपने एडजेक्टिव्स को पिक करना है और उसको क्लासीफाई करना है, उसकी टाइप बताना है कि यहां पर कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है और क्या उसकी टाइप है. तो स्टूडेंट दिस इज